नमस्कार, आज के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल हमने देखा यूएस, यूक्रेन, रशिया इन सब के बीच में जो तनाव है वो ऑनगोइंग है एंड मार्केट इस चीज़ को डिस्काउंट कर गया। अगर आप पिछले 25-30 सालों की बात करें तो जब भी ऐसा कुछ एस्केलेशन होता है वो टेम्प्रेरी मार्केट को इम्पैक्ट करता है, बट कहीं ना कहीं उसके बाद थिंग्स कूल ऑफ होते हैं। उसी को देखते हुए आज एसजीएक्स भी ऊपर है, डाउ जोन, एसएनपी, नैसडैक सभी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। विक्स में अभी भी कोई गिरावट नहीं है, 27.65 के करीब ही है, जो मार्केट को थोड़ा बहुत अप डाउन करता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में कल हमने करीबन 99.40 का हाई लगते हुए देखा, बट एकाएक हमने गिरावट भी देखी आगे जाके सप्लाई इंप्रूवमेंट के चलते, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस फिर से अपसाइड है बिकॉज ओपेक मेंबर ने क्लियरली कहा हम प्रोडक्शन और नहीं बढ़ाएंगे। नेचुरल गैस अभी भी तेजी के रूप में है बिकॉज रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होता है गैस का, और जिस ढंग से हमने देखा है कि रशिया यूक्रेन के कंसर्न के चलते सप्लाई साइड अभी भी कंसर्न है, जिसकी वजह से प्राइजेस को जम मिला हुआ है। कॉटन के प्राइजेस फिर से 120 सेंट के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड इस वक्त $1900 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट एक चीज ध्यान रखिए, गोल्ड में 1910, 1915, 1920 से बार बार में रिवर्ट बैक कर रहा है। कहीं ना कहीं ये एक मंदी के सिग्नल है, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। चांदी नो डाउट एक अच्छी खासी तेजी दिखा के 24-20 पे है, बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही है, दैट इज हायर लेवल पे थोड़े प्रेशर बन रहे हैं। कॉपर में आज तेजी का रुख है इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए। वहीं सोयाबीन में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, जिसका मतलब है कि आज भी आप सोयाबीन, सोया ऑयल, मस्टर्ड, कॉटन सीड ऑयल के किए सभी को सपोर्ट मिलेगा। डॉलर इंडेक्स 96 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डेटा पॉइंट की बात करें तो जापान मार्केट आज क्लोज है। वहीं यूरो जोन से अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्लाइमेट का डेटा है जो थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके से मॉनेटरी पॉलिसी के अपडेट्स आने हैं, जबकि यूएस से आज कोई डेटा पॉइंट आता हुआ नहीं दिखाई देगा। कल के सबसे पहले एलएमई की बात करें तो खाली एल्यूमिनियम और लेड को छोड़ के कॉपर, जिंक और निकल सभी में हमने आधे से 15% की तेजी देख रहे हैं, जो एक काफी स्ट्रांग पॉइंट है। आज के लिए अगर बात करें तो गोल्ड कल हमने वॉलिटिलिटी काफी अच्छी देखी, 50,000 पे मेंटेन भी है। देखिए ओवरऑल हमें लगता है 50,850 दिखा देगा, बट ध्यान रखिए 49,900 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, बट बड़ी पोजिशन ना बनाइए। आज भी रेंज जो रहेगा 50,000 से 50,850 का रहेगा। चांदी की बात करें तो कल एकाएक हमने इवनिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा, बट हिस्टोरिकली अगर देखें तो 65-65-200 का जो रेंज है ये तोड़ता हुआ नहीं दिखाई देता, जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइजेस में तेजी रहेगी बट 65 के करीब प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई देगी। क्रूड में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, 7,000-7,100 तक का लेवल और डाउन साइड में 6,800 का सपोर्ट रहेगा। आज वेट एंड वॉच करके ट्रेड कीजिए, दिन में तेजी रहेगी। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो कल हमने 4% की ड्रॉप देखी एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते, बट यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जो वापस 356 तक का लेवल दिखा देगा। पूरे बेस मेटल में तेजी का रुख कायम रहेगा, बाय और ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। बेस मेटल के लिए हमने कुछ पॉइंटर्स भी लिए हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो पूरे बेस मेटल में बाय और ड्रॉप रखिए, खास करके एल्यूमिनियम, निकल, ये दो कमोडिटी पे ध्यान रखिए जहाँ पे अच्छे खासे ब्रेकआउट दिखाई दे रहे हैं। चार्टिकली कल भी हमने एल्यूमिनियम में बताया था आपको कि एक ब्रेकआउट दिखाया है और कल हमने 72 का हाई लगते हुए देखा, जो अब हमको लगता है 284 तक का भी लेवल दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है ये बेस मेटल को भी इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा एल्यूमिनियम और निकल, यहाँ पे हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक तेजी देखी है। एल्यूमिनियम के जो आउटपुट है उसमें 4.5% का फॉल आया है, जबकि निकल के अंदर जो सरप्लस था वो 6,500 टन के आसपास का था, जो अब 3,700 का कंपैरिजन में अगर देखें तो थोड़ा बड़ा जरूर है। सैंक्शन जो लग सकते हैं उसकी वजह से प्राइजेस में गेंस हो सकता है। क्रूड में कल हमने देखा कि हायर टॉप बनाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। इंटरनेशनल में भी ब्रांड 99.40 का लेवल दिखा के एक पुल बैक दिखा सकता है। वहीं अगर हम मेजर पॉइंट्स की बात करें तो सप्लाई पे ध्यान रखना है, मार्च ऑनवर्ड सप्लाई भरपूर आने वाली है मार्केट में। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि ये एस्केलेशन $5 से $20 बढ़ा दे बट सस्टेन नहीं करेगा। एग्री पैक की अगर बात करें तो कल हमने एकाएक लोअर लेवल से मसालों में तेजी देखी जो आज भी कायम रहेगा। कैस्टर में दबाव रहेगा, गवार सीड, गवार गम में दिन के सेशन में दबाव, बाद में रिकवरी होता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल केक में 3150 पे बाय करके चलिए। करेंसी के अंदर भी हम एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव बनते हुए देखेंगे, जहाँ पे 75-20 तक के भी लेवल दिखाएंगे, जिस ढंग से रुपी में हमने कमजोरी भरते हुए देखी हायर क्रूड ऑयल प्राइजेस की वजह से। धन्यवाद।